आज के क्लास में एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो सिंपल बाइंडिंग के क्वेश्चंस हैं वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम इज अ एक्सिस। इसका आंसर ए है। इसका सही जवाब ए कैसे है एक बार समझा देते हैं आपको। तो न्यूट्रल एक्सिस होती क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीम है, ठीक है, और उस पर हमने कुछ लोडिंग लगाई, उस पर उसके ऊपर कुछ हमने लोड लगाया और वो सिंपली सपोर्टेड बीम है मान लेते हैं। तो क्या होगा, लोड लगाने से क्या होगा, बीम डिफ्लेक्ट करेगी, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। तो इसके अगर हम डिफ्लेक्टेड शेप बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगी, बीम की डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस टाइप से आपके सामने आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीम के यहाँ पे देखिए, ये बीम की टॉप लेयर थी, ये बीम की बॉटम लेयर थी। तो बीम की जो टॉप लेयर है अपनी बेंडिंग की शेप में उसकी लेंथ थोड़ी कम हो गई, मतलब वो थोड़ी कंप्रेस हो गई, आप देख सकते हैं। और जो बीम की बॉटम वाली लेयर है उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई, स्ट्रेच हो गई। तो अगर स्ट्रेचिंग हुई है तो बीम के जो जो बीच वाली लेयर है उसके नीचे नीचे वाला पार्ट क्या हुआ है, सारा का सारा स्ट्रेच हुआ है, और बीम की सेंटर लेयर से ऊपर वाला पार्ट कंप्रेस हुआ है। तो नीचे टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएंगी और ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएंगी, ठीक है। नीचे टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है, ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है। तो कोई ना कोई ऐसा रीजन जरूर होगा बीच में जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा होगा, टेंसाइल से कंप्रेसिव जा रहा होगा। टेंसाइल से कंप्रेसिव जाने के लिए उसको जीरो को क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए न्यूट्रल एक्सिस पे जो हमारी स्ट्रेसेस होती हैं सारी जीरो होती हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब था ए। सेकंड क्वेश्चन, स्ट्रेन इन एनी लेयर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स। जब हम अभी हम बेंडिंग की बात कर रहे हैं तो बेंडिंग के अंदर जब स्ट्रेन आती है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। ए इज द राइट आंसर, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। स्ट्रेन किसी भी लेयर में जो होती है वो होती है वाई अपॉन आर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल लेयर। मान लो कि हमारे पास कुछ बेंडिंग, बीम की बेंडिंग शेप कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसके कितना ऊपर जाएंगे, वाई डिस्टेंस, है ना। अगर हमें इस वाई डिस्टेंस पॉइंट पे स्ट्रेस स्ट्रेन निकालनी है तो हमें ये वाई डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू चाहिए। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि एक सर्कल बनेगा ना, ये बीम एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म में डिफॉर्म हो जाएगी, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं पे होगा। तो इसका न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो स्ट्रेन होती है वो वाई अपॉन आर होती है, तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर बीम का कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है और उस पर एक यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट लगाया गया है तो बताना है कि वो कौन सी शेप लेगी। एक बीम है यहाँ पे जिसका कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है, मान लेते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और उसको उस पर बेंडिंग मोमेंट लगाया गया है एम, और यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट है, मतलब बेंडिंग मोमेंट कॉन्स्टेंट है, तो वो कौन सी शेप लेगी, ट्राइंगुलर, कैटनरी, पैराबोलिक या सर्कुलर। डी आंसर सही है, सर्कुलर आर्क होती है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए एक वर्ड बोल रखा है यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट। इस यूनिफॉर्म बेंडिंग की वजह से ये सर्कुलर आर्क, यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट सर मतलब प्योर बेंडिंग ना सर। यस, यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट को ही हम प्योर बेंडिंग कहते हैं। जिन लोगों को प्योर बेंडिंग नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीम है, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से दो लोड लग रहे हैं डब्लू डब्लू, और सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए दोबारा से एक बार बनाते हैं। इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे जीरो हो जाएगी कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर नेगेटिव चली जाएगी। ये हो गया इसका शियर फोर्स डायग्राम। और अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन लाइन, यहाँ पे कांस्टेंट, फिर जीरो। तो ये शियर फोर्स डायग्राम, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसको ए बी सी डी मान लो, ए बी सी डी। तो जो बी बी से सी का सेक्शन है, ये जो बी से सी की लेंथ है, इस लेंथ में शियर फोर्स जीरो है और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है,
और कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट वाले रीजन को हम प्योर बेंडिंग रीजन बोलते हैं। तो प्योर बेंडिंग का मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट उस बीम पे कॉन्स्टेंट लगेगा, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट अगर कॉन्स्टेंट है तो वो सर्कुलर आर्क की शेप लेता है। तो इसका मतलब जो ये बीम डिफ्लेक्ट करी है, इस तरीके से बीम का डिफ्लेक्शन आई है, तो बीम की जो शेप है, ठीक है, बी से लेके सी तक के बीच में, तो ये सर्कुलर आर्क है। ये वाली जो आर्क बनी है ये सर्कल बनी है, तो सर्कल का कोई पोर्शन है, लेकिन जो ए बी और सी डी वाला पोर्शन है वो सर्कल नहीं है। ए बी और सी डी वाला पोर्शन तो हम उसे सर पैराबोलिक कर्व बोल सकते हैं ना सर। पैराबोलिक है, बिल्कुल। अगर हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म ना दिया होता तो हम पैराबोलिक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म लिख देता तो आपका आंसर फिर सी हो जाता, पैराबोलिक, लेकिन यूनिफॉर्म बोला है स्पेशली, तो इसलिए इसका आंसर है सर्कुलर। इसी चीज को आप न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे देख सकते हैं, देखिए हमारे पास एक फ्लेक्चुरल रिजिडिटी वाला फ्लेक्चुरल फॉर्मूला होता है, m by i is equal to e by r is equal to sigma by y sir। तो आप सिर्फ इतना पोर्शन ले लो, ठीक है, तो यहां से r क्या आ जाएगा, ei by m, है ना, यही आएगा, ei by m आएगा r। तो अब देखिए e तो किसी मटेरियल का कांस्टेंट होता ही है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। I भी कांस्टेंट ही होता है अगर कांस्टेंट यूनिफॉर्म है। कांस्टेंट सेक्शन बोल रखा है ना, सेक्शन कांस्टेंट है, मतलब पूरे की पूरी बीम में उसकी एरिया सेम ही है हर जगह, कांस्टेंट सेक्शन का ये मतलब होता है। और सेक्शन अगर एरिया कांस्टेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट है। तो EI जो है वो इस बीम के लिए कांस्टेंट हो गया, और यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट मतलब m भी कांस्टेंट हो गया। तो अगर सब कुछ कांस्टेंट हो गया तो r भी कांस्टेंट हो गया, और अगर रेडियस कांस्टेंट हो जाता है तो कौन सा कर्व है जिसका रेडियस कांस्टेंट रहता है, सिर्फ एक ही कर्व है जो कि सर्कल होता है ना। सर्कल ही एक ऐसा कर्व है जिसका रेडियस हर जगह कांस्टेंट ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे हमने पॉइंट लोड लगाया है उसके सेंटर पे, तो बताना है कि करेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अक्रॉस इट सेक्शन। जो डायरेक्ट स्ट्रेस आती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। इसका आंसर बी है, बी इसका सही जवाब है कि नॉर्मल स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी बनेगी अगर उस पर बेंडिंग मोमेंट लगाया गया है। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे एक बीम है जिस पे सेंटर पे लोड लगाया गया है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, तो बीम कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। ये सब तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, आप सिंपल यहीं से भी पढ़ सकते हो डायरेक्ट। करेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा है, नॉर्मल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। डायरेक्ट आप फ्लेक्चुरल फॉर्मूले पे आ जाओ, एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा को नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, तो यहाँ से सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एम बाई वाई आई आ गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, एम कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर सिग्मा वाई के प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशनशिप है, वाई की पावर वन है ना, इसका मतलब लीनियर रिलेशनशिप है। तो जो बीम बेंड हुई है हमारी यहाँ पे, अगर उसके न्यूट्रल एक्सिस पे देखेंगे, न्यूट्रल एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस हो जाएगी जीरो। जैसे जैसे वाई बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ रही है ना, और जैसे जैसे नीचे भी बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना, ऊपर टेंसाइल नीचे कंप्रेसिव है, फिर ऊपर कंप्रेसिव नीचे टेंसाइल बोल सकते हैं, डजंट मैटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरीके से। तो ऊपर की तरफ कैसी स्ट्रेस आएंगी, कंप्रेसिव, नीचे की तरफ कैसी स्ट्रेस आएंगी, टेंसाइल। तो आपको ऊपर की तरफ जो एरो है वो कंप्रेस करता हुआ दिखा दो, और जो बाहर की तरफ है उसको जो नीचे की तरफ है उसको टेंशन में दिखा दो, जैसा कि आपको बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल सेक्शन में सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आई बाय वाई, वाई मैक्सिमम, एक्चुअली वाई बाय आई बाय वाई मैक्सिमम। तो सर्कल सेक्शन के लिए हमें आई बाय वाई मैक्सिमम करना है, सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है, इस जेड को हम सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। सर्कल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 64 डी की पावर 4, और वाई मैक्स क्या होता है, हम कितना मैक्सिमम दूर जा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। अगर सर्कल के लिए अगर हमारी न्यूट्रल एक्सिस ये है तो न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस हम दूर जा सकते हैं इसके रेडियस के बराबर, और इसका रेडियस कितना होता है, डी बाय 2, इसलिए वाई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी डी बाय 2। तो यहाँ पे आंसर आ गया पाई बाय 32 डी क्यूब। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है आपके, इसका आंसर सी है। एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले सेक्शन मॉडुलस सर्कल का तो निकाल लिया, अगर मान लो कि आपसे रेक्टेंगल का पूछ लेता, ठीक है, इसकी लेंथ बी ए है और डी है, ठीक है,
हमें इस एक्सिस के अबाउट इसका सेक्शन मॉडुलस निकालना है, जेड की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालिए और बताइए कितना आएगा। आई बाय वाई करना है, बी डी स्क्वायर बाय सिक्स सर। ओके चलिए देखते हैं, इसका आई होता है बी डी क्यूब बाय 12 और इसका वाई मैक्सिमम क्या है, हम न्यूट्रल एक्सिस से कितना दूर जा सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से हम कितना दूर जा सकते हैं मैक्सिमम, तो ये डिस्टेंस कितना है, डी बाई टू है, तो इसमें यहाँ पे डी बाई टू रख देंगे और आंसर आ जाएगा बी डी स्क्वायर बाय सिक्स। तो रेक्टेंगल के लिए इस तरीके से हम सेक्शन मॉडुलस निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक काम और करते हैं, यहीं पे एक स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर की साइड ए है। अब बताइए इसका सेक्शन मॉडुलस कितना आएगा, ए क्यूब बाय सिक्स। सिंपल है, क्योंकि स्क्वायर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ए की पावर 4/12 होता है, और इसमें हम न्यूट्रल एक्सिस से कितना ऊपर जा सकते हैं, उसी रेक्टेंगल में सर हम ए रख देंगे ना सर, रेक्टेंगल वाले में, रेक्टेंगल वाले में ए रख दो, या फिर आप इस तरीके से निकाल लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। वेरी गुड, ए क्यूब बाय सिक्स आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं, उस पर सेंट्रल लोड लग रहा है डब्ल्यू, हमें पता नहीं कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस उसमें आ सकती है अगर उसका उसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। सबसे पहले तो हमने देख लिया स्क्वायर है और साइड ए है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है ए की पावर 4/12, ये इतना तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद हमें स्ट्रेस निकालनी है, तो वही फॉर्मूला एम बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, हमेशा यही फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम बाय आई इंटू वाई, अगर आप पहले वाले और तीसरे वाले को ले लोगे तो, ठीक है। हमें आई पता चल गया, एम एम की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे मिलेगी हमें, इसके मैक्सिमम डिस्टेंस पे मिलेगी, क्योंकि हमें पता है जो स्ट्रेस होती है वो कैसे वैरी करती है, इस तरीके से वैरी करती है ना, सेंटर पे बिल्कुल जीरो होती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है और अपने एंड पॉइंट तक बढ़ती रहती है, लीनियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैक्सिमम स्ट्रेस मिलने के चांसेस कहाँ पे है, उसके सरफेस पे है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाय टू, तो वाई की वैल्यू भी पता चल गई, ठीक, वाई की वैल्यू पता चल गई, आई की वैल्यू पता चल गई। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट, किस पॉइंट पे निकालना है, हमें देखना पड़ेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के कि भाई हमें कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, फिर बस वही लेना है। तो इसका अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे, इसके सेंटर पे है, तो आप इस WL by 4 आएगा सर, यस, सेंटर वाली बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि WL by 4 हो जाएगी। तो आपको मोमेंट की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, i की वैल्यू पता चल गई, सिग्मा में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा WL by 4 into y की वैल्यू है a by 2 और उसकी वैल्यू है a की पावर 4/12। तो यहां से गया ये 3 पे 6 हो जाएगा, d आंसर आएगा सर, d WL upon 3 राइट, नहीं 3 ऊपर चला जाएगा राइट, 3 WL बाय ए की पावर 3, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डी सर, डी डी आएगा सर, 2 भी है, ओ हाँ सॉरी, हाँ 2 भी है, चलिए 2 भी आएगा, तो इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। वेरी गुड, जो ये WL बाय 4 है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ना, हाँ तीनों चीजें मैक्सिमम निकाली है इसमें, यस, तो क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी है इसलिए एम और वाई का मैक्सिमम लेना पड़ेगा। और अगर सर जैसे मान लो स्ट्रेस से वैसे बोलते हैं सिर्फ स्ट्रेस निकालो, तब भी एम और वाई तो मैक्सिमम ही लेना है, नहीं ऐसा कभी नहीं बोलेगा आपको, हमेशा स्ट्रेस जब भी बोलेगा आपको या तो मैक्सिमम बोलेगा, या अगर सिंपल स्ट्रेस बोलेगा ना तो आपको वाई की वैल्यू उसको देनी पड़ेगी, अगर सिंपल स्ट्रेस बोलेगा तो वो वाई ऑलरेडी देगा, हाँ, और ये m m तो हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ही लेके m तो नहीं, हाँ अगर वो एक्चुअली आपको बोल देगा कि आपको किस पॉइंट का मैक्सिमम किस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट लेना है, अगर वो मैक्सिमम नहीं बोलता तो आपको वो सारी चीजें स्पेसिफाई करेगा कि आपको यहाँ का बेंडिंग मोमेंट लेना है या फिर यहाँ का बेंडिंग मोमेंट लेना है, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्ट्रेंथ ऑफ द बीम डिपेंड्स अपॉन, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्ट्रेंथ होती क्या है ना, स्ट्रेंथ क्या होती है बीम की, या फिर स्ट्रेंथ किसी की भी क्या होती है, किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है सर, वो कितना लोड सर एक्सटर्नली लोड कितना वो बियर कर सकता है सर, भाई उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है, टूटने से पहले उस पर कितना से कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोड लगा सकते हैं वही उसकी स्ट्रेंथ है, अगर ज्यादा लोड लगा पाए तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर नहीं लगा पाए तो उसकी स्ट्रेंथ कम है ना। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं बेंडिंग, तो यहाँ पे बेंडिंग लोड क्या होता है, मोमेंट होता है, तो अगर
बीम के टूटने से पहले हम उस पर जितने से ज्यादा मोमेंट लगा पाए तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर नहीं लगा पाए तो उसकी स्ट्रेंथ कम है। और मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला हमारा एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आर। यहाँ से आप इसको ले लो, यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा आई बाय वाई, राइट। और सिग्मा और आई बाय वाई को हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, ठीक है। तो हम किसी बीम पे कितना मोमेंट लगा पाएंगे ये किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, ये स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे और उसके सेक्शन मॉडुलस पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, राइट। उसकी किसकी कितनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है वो और सेक्शन मॉडुलस, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आई सेक्शन का, तो इस सेक्शन का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं और आप इसको निकालना भी सीख जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आई सेक्शन है, पहली बार आई सेक्शन आया है, तो जब भी आपको आई सेक्शन आ जाए या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सेक्शन आ जाए तो उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको तीन रेक्टेंगल में डिवाइड कर दो इस तरीके से, ठीक है, ये रेक्टेंगल नंबर वन, ये रेक्टेंगल नंबर टू, ये रेक्टेंगल नंबर थ्री, ठीक है। और इन तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के, पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल के, इसकी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। इसकी न्यूट्रल एक्सिस के सीजी से पास होगी, इसका सीजी बिल्कुल सेंटर में होगा क्योंकि आई सेक्शन भी एक तरह से सिमेट्रिकल सेक्शन है ना, तो बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो हमें सारे डिस्टेंसेस पता हैं ऑलरेडी, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताइए कि आई वन क्या होगा, जो कि पहले वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो होगा क्या, बी टी क्यूब बाय 12 होगा, 0.833। ओके, चलिए वैल्यूज, चलिए वैल्यूज बाद में निकालेंगे, हाँ वैल्यूज बाद में निकालेंगे, पहले अभी पैरामेट्रिक फॉर्म में कर लेते हैं। बी टी क्यूब बाय 12 हो जाएगा पहले वाले का, लेकिन वो उसकी एक्सिस के अबाउट होगा, मतलब ये जो बी टी क्यूब बाय 12 आया ये एक्सिस नंबर वन के अबाउट आया है, ठीक है, आई वन। लेकिन हमें तो एक्सिस नंबर टू यानी आई सी जी, इस आई सी जी इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन के अबाउट आया है उसको ट्रांसफर कर देंगे आई सी जी में। और वो ट्रांसफर कैसे होगा, बस तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितना है, सबसे पहले तो इतना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, बी बाय टू है, और वो छोटा वाला वो डी बाय टू है ना, सॉरी वो टी बाय टू है, तो बी बाय टू प्लस टी बाय टू, तो यहाँ पे हो जाएगा बी बाय टू टी बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आई वन की वजह से, पहले वाले रेक्टेंगल की वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सी जी पे, ये आ गया। सिमिलरली जो नीचे वाला रेक्टेंगल आया आई थ्री, उसकी वजह से भी निकाल लेते हैं, उसका भी सेम टू सेम है बी टी क्यूब बाय 12 और उसका डिस्टेंस भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो सेम टू सेम आ जाएगा बी बाय टू प्लस टी बाय टू का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है सभी, क्लियर सर? यस सर। अब आई टू निकालते हैं, तो वो इस रेक्टेंगल का होगा, इस रेक्टेंगल में क्या है वो हो जाएगा इसके ये वाले डिस्टेंस पता होना चाहिए था, इसको आप टी ही मान लो, ठीक है, ये टी दे रखा है आपको, तो ये हो जाएगा टी बी क्यूब बाय 12, क्योंकि इसमें b वाली लेंथ कट रही है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा t इंटू बी का क्यूब बाई 12। इसमें प्लस में एरिया इंटू कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अपने cg पे है और इसका cg और पूरे सिस्टम का cg सेम है, इसलिए इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाएंगे सेकंड वाले केस में, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में लगाना पड़ा क्योंकि उनकी एक्सिस और cg की एक्सिस अलग अलग थी, लेकिन अगर एक्सिस सेम है तो फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद अगर आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बस आपको इन सबको प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 इंटू बी टी क्यूब बाई 12 प्लस एरिया, एरिया क्या है, बी इंटू टी, अगर अलग अलग रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे इसका भी बी इंटू टी है, उसका भी बी इंटू टी है, तो बी इंटू टी मल्टीप्लाई बाय बी बाई टू प्लस टी बाई टू का होल स्क्वायर। ये तो हो गया दोनों का, आई वन और आई थ्री को प्लस कर दिया, प्लस टी बी क्यूब बाई 12। बस अब इसे सॉल्व कर देते हैं, बी टी क्यूब बाई 12, बी टी क्यूब बाई 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो तो बी टी बाई 4 हो जाएगा, और b प्लस टी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्लस टी वी क्यूब बाई 12, राइट। और 2 से मल्टीप्लाई भी किया था तो ये 4 कट के 2 ही हो जाएगा अल्टीमेटली, ये वाला बाहर वाला 2 है ना, उसको उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, बस ठीक है। तो अब अगर आप इसमें वैल्यू डालोगे b और d की, b की वैल्यू आपको 10 दे रखी है और t की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, इसमें डालते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 689 सेंटीमीटर पावर 4 आएगा।
689 आ रहा सर, 90 हो जाएगा सर, सेंटीमीटर पावर 4। हां 689 आ रहा है आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। टू दो बीम है, एक का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, एक का स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, और दोनों का इक्वल एरिया है, दोनों पे बेंडिंग लगाई गई है, सेम बेंडिंग। अब बताना है इन चारों में से क्या सही है। ज्यादातर लोग डी बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं कैसे होगा इसका आंसर। डी, हमारे पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। कोई ए भी बोल रहा है, चलिए देखते हैं कि कैसे हो सकता है इसका सही आंसर क्या है। एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका डायमीटर हम डी मान लेते हैं। एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, इसका लेंथ हम ए मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि जब इन पे बेंडिंग मोमेंट एम लगाया जाएगा, दोनों पे हमने एम एम बेंडिंग मोमेंट लगाया है, तो इनमें से कौन सा ज्यादा इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल का मतलब बेंड कर जाए, सस्ता आसानी से सस्ता पड़े, है ना। इकोनॉमिकल तो यही होता है ना। दोनों में से किस मटेरियल को लगा, मतलब दोनों में से किसको लगाएं कि हमें सस्ता मटेरियल भी लग जाए। ठीक है, तुम्हारा स्ट्रेंथ भी अच्छी रहे और पैसा भी बचे। हाँ चलिए, हाँ बिल्कुल सही जवाब, मतलब हमारा कंपोनेंट भी सेफ रहे, कंपोनेंट भी ना टूटे और पैसे भी बच जाए, वो होता है इकोनॉमिकल, है ना। चलिए अब देखते हैं कि कैसे अब निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला एक यही है फॉर्मूला जो आपको लगाना है हमेशा, एम बाई आई इजिकल टू ई बाई आई इजिकल टू सिग्मा बाई बाई। यहाँ पे सिग्मा क्या आ जाएगा, एम बाई बाई आई। तो हमारा जो स्ट्रेस होगा सर वो अपर लेयर में ज्यादा होगा, तो इसलिए हमारा स्क्वायर सेक्शन से ज्यादा इकोनॉमिकल है। ओके चलिए देखते हैं, एक बार देखते हैं एक कैसे निकलेगा। तो यहां से हमें पता चल गया स्ट्रेस इज डायरेक्ट, स्ट्रेस में क्या है मोमेंट इनटू वाई बाय आई। तो मोमेंट तो दोनों बीम में सेम लगा है ना। तो यहां से आई बाय वाई को क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। तो सिग्मा बाय जेड आ गया, सॉरी सिग्मा इज नथिंग बट एम बाय जेड आ गया। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि फॉर द सेम मोमेंट, जो मोमेंट लगाया गया है ना, तो जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा उसमें कम स्ट्रेस आएगी, जिसका सेक्शन मॉडुलस कम होगा उसमें ज्यादा स्ट्रेस आएगी। और स्ट्रेस का कम ज्यादा होने का क्या मतलब है, स्ट्रेस का कम ज्यादा होने का मतलब ये है, क्या बताता है उसके कि अगर स्ट्रेस ज्यादा आ गई इधर, अगर मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा आ गई, तो इसका मतलब क्या है, इस बीम में बेंडिंग के दौरान ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रही है, और बेंडिंग के दौरान ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होने का मतलब है हमें एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल लगाना पड़ेगा, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना। और इसका मतलब कौन से बीम में ज्यादा बेंडिंग, और कौन से बीम में ज्यादा बेंडिंग, दोबारा बताना। हाँ अभी मैंने सॉल्व तो किया ही नहीं है, बस अभी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि कौन से सेक्शन को यूज करें। देखिए तो मोमेंट तो दोनों बीम में हमने सेम लगाया है, एम इसमें भी एम लगाया है, इसमें भी एम लगाया है, बस एक सेक्शन मॉडुलस ही है जो दोनों में अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि किसी का सेक्शन मॉडुलस कम है, किसी का ज्यादा है, तो इन दोनों में से जिसका भी सेक्शन मॉडुलस कम होगा उसके अंदर ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगी। ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगी मतलब उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हमको ज्यादा महंगा मटेरियल लगाना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रांग मटेरियल लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए हमें सेक्शन मॉडुलस किसी तरीके से बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा सेक्शन मॉडुलस करना है, ताकि स्ट्रेस ही कम डेवलप हो, और स्ट्रेस ही कम डेवलप होगी तो ठीक है, थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग मटेरियल भी चल जाएगा बिना फेलियर किए। फॉर द सेम एरिया किसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होता है ये निकाल लेते हैं। सेम एरिया है मतलब पाई बाय फोर डी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर है, इस रिलेशन को भी साइड में रखते हैं, यूज करेंगे। सेक्शन मॉडुलस निकालना है मतलब आई बाय वाई की वैल्यू निकालनी है, आई बाय वाई मैक्स, चलिए डिवाइड कर देते हैं, आई बाय वाई मैक्स ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय आई बाय वाई मैक्स ऑफ स्क्वायर। क्या सर्कल का आई कितना होता है, पाई बाय 64 डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय डी बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर के लिए कितना होता है, ए की पावर 4 बाय 12 डिवाइडेड बाय ए बाय 2। तो अल्टीमेटली आ जाता है पाई बाय 32 डी की पावर 3, और यहाँ पे कितना आ जाता है, ए की पावर 3 बाय 6। ठीक है, तो ये तो रेशियो आ गई सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर। जेड सी बाय जेड एस कितना आ गया, 6 पाई बाय 32 ए 32 मल्टीप्लाई बाय डी क्यूब बाय ए क्यूब। ठीक है, अब हमें पता है कि डी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना है, 4 बाय पाई है ना। तो डी बाय ए कितना हो गया, अंडर रूट 4 बाय पाई, है ना।
अब ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो d बाई ए, यहाँ पे d बाई ए में जो हमने लिखा रहा है, तो 6 पाई बाई 32 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाई पाई का होल क्यूब हो जाएगा। होल क्यूब का मतलब क्या होता है, रूट हो तो 6 पाई बाई 32 इंटू 4 बाई पाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई रूट के अंदर 4 बाई पाई कर सकते हैं, यही होता है, यही होता है इसका क्यूब का मतलब। यस सर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 4 24 डिवाइड बाई 32 स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाई पाई, ये कट जाएगा 3 बाई 4 हो जाएगा, तो आप अल्टीमेटली आएगा 3 बाई 4 और अंडर रूट 4 को 2 बोलते हैं, 2 बाय अंडर रूट पाई हो जाएगा, तो ये आ गया, ये 2 4 से कट गया, तो 3 बाय 2 रूट पाई। अब आपको ये वैल्यू जो आई है 3 बाय 2 रूट पाई, जेड सी बाय जेड एस की वैल्यू आ गई 3 बाय 2 रूट पाई। अब ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है 1 से कम होती है, ये डिसाइड करेगा कि किसका सेक्शन मॉडुलस, किसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा है या कम है। तो अब आप इसकी वैल्यू बताओ कि ये 1 से ज़्यादा है कि कम है। इसका सही आंसर डी है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन बताइए, ऑप्शन नंबर 1। यस सर। अंडर रूट 2। ओके देखते हैं कि 1 इसका आंसर है कि नहीं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो 1 मतलब सर डी वाला 1। देखते हैं, ये जो m होता है इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब इस m की रेशियो निकालनी है, ठीक है, कोई a बोल रहा है, कोई b बोल रहा है, कोई d बोल रहा है, चलिए देखते हैं कि कौन सा सही आंसर है। फॉर अ गिवन स्ट्रेस, अब देखिए यहाँ पे अच्छा वर्ड बोला है, फॉर अ गिवन स्ट्रेस, स्ट्रेस गिवन है आपको, सिग्मा की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, दोनों बीम के लिए, दोनों दो दे रखे ना बीम, दोनों के लिए सिग्मा कॉन्स्टेंट लेंगे, गिवन स्ट्रेस बोला है। रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम ऑफ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन व्हेन प्लेस्ड व्हेन इट्स टू साइड हॉरिजॉन्टल टू इट्स डायगोनल, ठीक है, एक बार हमने जो स्क्वायर बीम है उसको हमने इस तरीके से रखा है और एक बार स्क्वायर बीम को हमने इस तरीके से रखा है, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की रेशियो क्या होगी, m1 by m2 की वैल्यू बतानी है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे m by y, सॉरी m by i is equal to sigma by y, m की वैल्यू क्या आ जाएगी sigma i by y, तो m1 क्या हो जाएगा sigma 1 i1 by y1 और m2 क्या हो जाएगा sigma 2 i2 by y2। आप यहाँ पे फॉर ए गिवन स्ट्रेस बोला था, मतलब सिग्मा दोनों में सेम है, सिग्मा से सिग्मा कट गया, i by y करना है बस। अब हमें ये भी पता है स्क्वायर के अंदर आई भी सेम होता है, डायगोनल के अबाउट निकालो चाहे साइड के अबाउट निकालो, तो आई वन से आई वन भी कट गया, तो ये वाई टू बाई वाई वन आ जाएगा बस, एम वन बाई एम टू में। तो जो बी आंसर है वो क्या है, स्क्वायर रूट टू है ना सर? हाँ स्क्वायर रूट टू है, तो बी वाला सर, बी वाला आंसर सही है सर। वाई टू के अंदर ये क्या है, ए वाई रूट टू है, और वाई वन में यहाँ पे वाई वन क्या है, ए वाई टू के बराबर है, तो कर दो ए वाई रूट टू, नहीं वाई सर वाई टू बाई वाई वन आ गया, उसके बाद क्या बता रहे हो आप, y2 की वैल्यू क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से कितना दूर जा सकते हैं मैक्सिमम, है ना, सेकंड वाली फिगर में वो a by root 2 है, और y1 हाँ। क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से कितना दूर जा सकते हैं मैक्सिमम a by 2 तक, तो इसलिए a by root 2 divided by a by 2, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा root 2, इसलिए इसका आंसर b सही है।